दे देते हैं। और अगर आप इस तरह का विलंब करेंगे तो आपको देश के बाहर खेलने के लिए कम टाइम आपको देंगे। सेकेंड राउंड मैच के लिए पहले से रेडी होकर कमिटी को से हमारे सुभाष पाठक जी का ये कहना है, अगर दोनों टीम अगर जेरी से ज्यादा लेट करेंगे तो दोनों टीम हम लोग टूर्नामेंट में खेलने का मौका नहीं देंगे। जी हाँ, जब आज समापन दिवस है और उसमें कोई बात नहीं किया जाए कि खेल शुरू हो रहा है कि टीम प्लान है खेलना पड़ रहा है, ऐसा भी कोई बात नहीं है। चलिए दो टीम के खिलाड़ी पर टेक्निकल जो लोग पहुंचे इंतजार है सिद्धू कानू एकादश पुरुलिया वेस्ट बंगाल टीम का। पुरुलिया वेस्ट बंगाल टीम का कप्तान तड़ातड़ी विजय खेड़ के हमारे टेक्निकल जो पहुंचा हुआ चेष्टा कर रहे हैं। सिग्राम में जितनी टीम क्वालिफाई की विश्व के ध्यान दीजिए, आप लोग पहले से रेडी रहेंगे जिससे आपको खेलने के लिए हम लोग पूरा पूरी समय दे पाए। তাড়াতাড়ি আপনার ফ্রেন্ড আমাদের টেকনিক্যাল জোনে পৌঁছাবার চেষ্টা করবেন, অযথা না আমরা কিছুক্ষণ পরে খেলা শুরু করতে পারি। सिद्धू कानू एकादश पुरुलिया टीम का कप्तान তাড়াতাড়ি আপনার ফ্রেন্ড কে আমাদের টেকনিক্যাল জোনে পৌঁছাবার চেষ্টা করবেন, অন্যথা অযথা কিছুক্ষণ পরে আমরা খেলা শুরু করতে পারব। जर्मन लोगों की तरफ बात की जाए, आकाश गोल्डी के हमें क्या पता चले, सुभाष शासन नंबर प्रदेश में शीघ्र पे जिस पर तीन, वरुण पे जिस पर आठ, रवि पे जिस पर छह, रामोदय पे जिस पर नौ, बुधान पे जिस पर तेरह, सुनील पे जिस पर चौदह, संदीप पे जिस पर सात, आकाश पे जिस पर पांच, रोहित पे जिस पर दो, विश्वनाथ का जिसमें एक टीम के मैनेजर है और टीम में जहां तक बात की जाए रवि टीम में शामिल है। रवि छह नंबर देश में जो टाटा मोटर्स के अध्यक्ष दोनों ही टीमों से खेले, उससे बढ़कर अगर बात किया जाए तो जे एक से जूनियर टीम में भी खेल चुके हैं। टीम में संदीप माहली मौजूद है, संदीप माहली की अगर बात की जाए तो ये भी टीम से खेले, संदीप सात नंबर द्वितीय वेस्ट बंगाल टीम में। इसमें भी मैं देख रहा हूँ अच्छे अच्छे खिलाड़ी मौजूद है, काकड़ाझोर वेस्ट बंगाल एक नाम की टूर्नामेंट के रूप में जाना जाता है और काकड़ाझोर के टूर्नामेंट में भी कुछ कुछ खिलाड़ी काफी कम अच्छा स्तर का खिलाड़ी आश्रित बना एकादश का वेस्ट बंगाल की टीम में शामिल है। किसी कारण बस थोड़ा सा समय ले रहा हमारे मैच से रेफरी खिलाड़ी को मैदान में प्रवेश करा रहे हैं, देशी कदर मैच हो रहा है। चलिए स्मिथ पे आमंत्रण देना चाहूंगा, जोड़ना चाहूंगा मेरा साथी कमेंटेटर उत्पल पादक जी को, जो सुरों की भाषा माना जाता है, आवाज तो भाषा माना जाता है, बहुत ही बड़े बड़े प्रोग्राम में अपना परफॉर्मेंस दे चुके हैं। समस्ত দর্শকবৃন্দ জগন্নাথপুর জগন্নাথপুর পক্ষ থেকে আমি আন্তরিক শেষ খেলাতে একটা বাংলা দল এই টুর্নামেন্টে পার্টিসিপেশন করেছে, আমি বাংলা দল বা বাংলা দলের অধিনায়ক মহাশয় এবং আমাদের ঝাড়খণ্ড দলের অধিনায়ক মহাশয়কে আমি অসংখ্য ধন্যবাদ দিতে চাই। এখানে আমাদের সমস্ত দর্শকদের
এক্সপেকটেশন রয়েছে এই ম্যাচে, এই ম্যাচে অবশ্যই আপনারা আনন্দ উপভোগ করবেন। উভয় দল কিন্তু নিজের নিজের এলাকার শক্তিশালী দল, পাওয়ারফুল দল। এখানে কিন্তু উভয় দলের জন্য খুবই বড় চ্যালেঞ্জ রয়েছে। এখানে দেখা যাবে কোন দলের খেলোয়াড় নিজের যে সব থেকে শ্রেষ্ঠতম রোল, সেই রোল এখানে দেখাবে, আর সেই রোল মাধ্যমে নিজের দলকে কিন্তু সেটার জন্য আমাদের সমস্ত দর্শকের এখানে ওয়েটিং করবে।